हेलो डियर स्टूडेंट, तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तुम उसको मान सकते हो कि वो 60% के आसपास होगा। और जो बाकी का रिमेनिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर आता है प्रीवियस ईयर्स जेई क्वेश्चंस और साथ में लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस। जिस तरह से स्ट्रेट लाइन, सर्कल और मीन्स कॉनिक सेक्शन के अंदर हम अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही शेप्स के बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर भी पढ़ सकते हैं। बट उस टॉपिक के अंदर हम डिटेल में तभी जा सकते हैं अगर हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन का बेसिक पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ओके, तो ये तो बात हो गई वो कि जब हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वी कैन अंडरस्टैंड दैट पोर्शन ईजिली। अदरवाइज़ जो क्वेश्चंस दूसरे हैं जिनको हम बिल्कुल बेसिक कॉनिक सेक्शन की नॉलेज, जैसे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, तो जितना अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है वो प्लस थोड़े बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व कर रहे हैं। ये सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग आगे बाद में बचा हुआ पोर्शन भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को गिवन है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आईडा वाई। ओके, उसके अलावा दिया हुआ है जेड की पावर 1/3 इज इक्वल टू पी प्लस आईडा क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हम इसका क्यूब कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू पी प्लस आयोडा क्यू का होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब तो सबको आता ही है, तो वो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यूब प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर आई क्यू प्लस 3 पी आई क्यू का होल स्क्वायर प्लस आई क्यू का क्यूब। ओके, तो यही ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब इसमें आयोडा वाली टर्म अलग और रियल पार्ट अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भी हमें रियल ही मिलेगा, यहाँ से आयोडा वाली टर्म और यहाँ से आयोडा वाली टर्म मिलेगी। तो अगर मैं रियल पार्ट लिखूँ तो वो क्या मिलेगा हमें, पी क्यूब, और यहाँ से आयोडा स्क्वायर माइनस 1 देगा हम लोगों को, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर। अब आयोडा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, तो ये कितना आएगा, 3 पी स्क्वायर क्यू, और ये आयोडा क्यूब होता है माइनस आयोडा, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू क्यूब। ओके, अब जो जेड है, जेड वो जेड एक्चुअली है क्या, एक्स माइनस आयोडा वाई। तो यहाँ से एक्स माइनस आयोडा वाई इज इक्वल टू, हम ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं, टर्म दोबारा नीचे लिखने का क्या मीनिंग है। अब हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन। तो कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से पी कॉमन लेके पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर। अगर मैं पी को यहाँ नीचे जाने दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर। ऐसा नहीं लग रहा है, क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, लग रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जेड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें से हम क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो क्यू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ माइनस वाई नहीं रखना हम लोगों को, है ना। तो ऐसा करते हैं माइनस को इधर जाने देते हैं और क्यू को नीचे जाने दो, तो वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू की, जो कि हो जाएगी देखिए क्या होती है, पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों मिलके हो गए माइनस 2 पी स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे माइनस, तो देखो माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 कॉमन लेके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अब हम लोगों को जो है वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है और वो कितनी आई, माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वो वहाँ पे हम लोगों ने पुट किया डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो ये एक जैसी टर्म है कट हो गई, तो आंसर कितना आया हमारा, माइनस 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो इसके ऑप्शन देख के तुम्हें पता लग जाएगा कि जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें यूज़ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ मॉड जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन। अब है ना, देखो ऐसा तो हम लोग कभी पढ़ा नहीं कि मॉड के अंदर जेड वन प्लस जेड टू लिखा है तो जेड वन मॉड प्लस जेड टू मॉड अलग अलग हम लोग कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब क्या किया जा सकता है, तो पहले दिया हुआ इक्वेशन लिख देते हैं। तो वो है जेड स्क्वायर माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो यहाँ तक तो अभी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इधर तक तो इजी है। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाने का ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ के बाद मैं तुम लोगों को एक तरीका बताऊंगा जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। जब भी लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और इस तरह का कोई ऑप्शन होगा और दिया होगा जेड, तो है ना जेड हम लोगों को पुट करना है, पुट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोडा वाई, मतलब वही ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें तो एक्स कोमा वाई, ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर रख देनी है। अब देखो सबसे पहले जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो जेड स्क्वायर क्या होगा भाई, एक्स प्लस आयोडा वाई का भी स्क्वायर। अब किसी का भी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, आयोडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोडा स्क्वायर माइनस वन होने की वजह से ये क्या देगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोडा एक्स वाई। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, जेड स्क्वायर निकाल लिया है। अब आगे मॉड जेड स्क्वायर की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो मॉड जेड का स्क्वायर, क्योंकि मॉड जेड अंडर रूट के अंदर होता है, तो यहाँ स्क्वायर की वजह से ये क्या देगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सब वैल्यू हम लोग दोबारा से उस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, तो वो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोडा एक्स वाई माइनस वन, और इस पूरे का क्या है भाई, मॉड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये जो मॉड है, तो मॉड जो है, मॉड के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को, और ये माइनस वन प्लस आयोडा टू एक्स वाई, क्लियर, ये मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। अब ये मॉड है, तो मॉड का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका होल मतलब अंडर रूट के अंदर होता है, तो हम अंडर रूट तो नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर ही कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई का भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हम लोगों को होल स्क्वायर ओपन करना ही है, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, चलो तो ये क्या देगा, एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस वन। हमें पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब जहाँ भी माइनस ए है तो एक्सपेंशन में भी ए की जगह माइनस ए पुट कर देंगे, तो इन दोनों को सबसे पहले हम लेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को लेंगे तो कितना आएगा, प्लस टू वाई स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ऐसा यहाँ पे सब कुछ किया जा सकता है। ओके, तो इतना अभी तक हुआ है हम लोगों का, अब इसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये इक्वेशन आई है, अब जो जो भी कट हो सकता है उसको कट कर देते हैं और जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको छोड़ देंगे, तो एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर। ओके, और यहाँ पे टू वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी टू वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वो भी कट हो गया, और उसके अलावा प्लस वन यहाँ पे भी है, प्लस वन यहाँ पे भी है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो देखो जो जो रिमेनिंग है वो लिख देते हैं अब हम, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रिमेनिंग है ये दोनों को अगर मैं देखूँ तो टू एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो वो भी कट हो जाएगा। तो इधर कुछ भी नहीं बचा और इधर बचा टू एक्स स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया है, तो जो हमने जेड माना था ना, जेड जेड हमने क्या माना था, एक्स प्लस आई बटा वाई, ये माना था, उसके अंदर एक्स इज इक्वल टू जीरो है। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो तुम्हें बताओ किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ये होती है। तो जेड इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो कॉमा वाई, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जीरो आयोडा, जीरो टू आयोडा, जीरो माइनस टू आयोडा। तो जो वाई एक्सिस है उसको हम आर्गेंट प्लेन में वाई एक्सिस नहीं बोल के क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन हमारा क्या आएगा, बी। तो ध्यान रखो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई लोकस क्या होगा या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जहाँ भी जेड है हम बिना आगे के कंसेप्ट पढ़े बिना इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं और वो भी इजीली, तो बस हम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, जेड इज इक्वल टू हम क्या रख दें, एक्स प्लस आई बटा वाई। और भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, बट ये भी एक बेस्ट मेथड है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन अपॉन आई बटा माइनस वन, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो देखो हम मान लेते हैं लेट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जेड नहीं, जेड का बार, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू वन अपॉन आयोडा माइनस वन। तो ये दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पे जेड बार, जेड बार देने के बाद ये हम लोगों से पूछ रहा है किसकी वैल्यू पूछ रहा है, जेड की। ठीक है, तो जेड हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ अलग कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम इसको वो बना देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो जेड बार निकलेगा तो जेड तो आ ही जाएगा, तो वन अपॉन आयोडा माइनस वन। तो ये जो इक्वेशन लिखी है ना इसमें भी भूल कर देते हैं कुछ लोग, तो इसको ध्यान से लिखना, इसको पढ़ के, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जेड बार इज वन अपॉन आयोडा माइनस वन, जेड बार दिया है ना कि जेड, और पूछा बाद में क्या है, जेड। ठीक है, तो इसको हमें वो करूँगा रैशनलाइज, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले इसको खुद को ही थोड़ा अच्छे से लिखो, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस वन प्लस आयोडा। तो अब तुम खुद ही सोचो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस वन माइनस आयोडा से, माइनस वन माइनस आयोडा से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, या फिर हमने माइनस कॉमन ले लिया ऐसे मन में ही सोच लो, जेड बार इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पे वन प्लस आयोडा, ये ऊपर हमने न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लिया है वो है, और यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया होता तो ये क्या होता, वन माइनस आयोडा, और यहाँ पे क्या होता, वन प्लस आयोडा। तो वन प्लस आयोडा और वन माइनस आयोडा क्या होता, वन माइनस आयोडा का होल स्क्वायर, ये हो जाता वन प्लस वन, जो कि कितना हो जाता, टू। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को जो है वैल्यू मिल गई किसकी, जेड बार की, सही किया है क्या, वन अपॉन आयोडा माइनस वन, वन अपॉन आयोडा माइनस वन ही दिया हुआ था, बिल्कुल सही बात है, और वो क्या दिया हुआ था, जेड बार। कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे कहीं पे टू नहीं आ रहा है, तो देखो क्या हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि हमने गलती नहीं कर दी, द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन अपॉन आयोडा माइनस वन, वन अपॉन आयोडा माइनस वन इज जेड बार। ओके, तो इसको लिखा हम लोगों ने माइनस वन प्लस आयोडा, इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, माइनस वन माइनस आयोडा और माइनस वन माइनस आयोडा से ही डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे जो है माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले, है ना, धीरे धीरे स्टेप लिखते हैं, तो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया, इधर से भी दोनों जगह से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये क्या आएगा, वन माइनस आयोडा इंटू वन प्लस आयोडा, तो जेड बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस वन प्लस आयोडा डिवाइड बाय वन माइनस आयोडा का होल स्क्वायर, सही है। तो अब आयोडा का होल स्क्वायर जो है वो होता क्या है, जेड बार इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोडा, आयोडा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो वन माइनस माइनस वन, तो यहाँ पे अभी तो हम लोगों के वापस से टू आ ही रहा है, ये टू यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वो समझ नहीं आ रहा अभी तो कि हो क्या रहा है दिक्कत। एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज करने की जगह हम लोग कुछ और मेथड ट्राई करते हैं यहाँ पे,
ये पूरा का पूरा यहाँ से निकाल देते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, अब हम लोगों को जेड निकालना है, तो दोनों तरफ बार करके देखते हैं एक बार। जेड बार का बार इजिकल टू 1/i - 1 का होल बार। तो जेड बार का बार क्या हो जाएगा, जेड जो हमें चाहिए, 1 का बार तो 1 ही रहेगा, आयोडा माइनस 1 इसका भी हम लोग बार कर देते हैं। पता है ना हमें कि भाई z1/z2 का होल बार होता है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, z1/z2 बार। वही क्या हमने, तो 1 का बार में तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा, और यहाँ पे आयोडा में साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना होगा, माइनस आयोडा माइनस 1, ऐसा कैसा रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जेड हम लोगों का आ गया है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में भी आयोडा नीचे ही दिया हुआ है, इसलिए उस मेथड में दिक्कत आ रही थी हम लोगों को। तो जेड इजिकल टू, अब हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो -1/i + 1। तो अब आंसर हम लोगों का आ गया। एक्चुअली दिक्कत क्या है, यहाँ पे 2 जो आ रहा था, यहाँ पे 2 ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा था आंसर में, x + i / y की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, 1/x + i / y की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब आंसर दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो वापस से कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर मैंने जो तुम्हें मेथड बताया था वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो भी दिया हुआ है हम लोगों को, जेड इजिकल टू क्या मानना है, x + i / y ऐसे मानना है। अब देखो दिया क्या क्या है यहाँ पे, z - 1 मॉड के अंदर इजिकल टू मॉड के अंदर z + 1 इजिकल टू, साथ में ही यहाँ पे हम लोगों को ऐसा भी बताया हुआ है कि z - i ये भी इक्वल है। ओके, तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। तो जेड मतलब x + i / y, -1 यहाँ पे है, इजिकल टू वापिस से x + i / y -1। ठीक है, अब इसमें रियल पार्ट एक साथ लिखो, x - 1 + i / y का मॉड इजिकल टू x - 1 + i / y। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, मॉड्यूलस वाला जो अंडर रूट है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 2 + y² इजिकल टू एक्स, यहाँ पे ये माइनस वन था, x - 1 इधर प्लस वन है ना, इधर प्लस वन है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस वन, तो ये क्या हो गया, x + 1 2 + y² अब इसको ओपन करेंगे तो x² से x² y² से y² इधर आएगा -2x + 1 इधर आएगा +2x + 1। ओके, तो 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पे, और 4x = 0 इसका मतलब x = 0 यहाँ से हम लोगों को आंसर मिलेगा। ओके, तो ये तो x = 0 हम लोगों को मिल गया। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, मतलब ये दोनों लेते हैं अब हम इजी वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, z - 1 = z - i/y। अब z को पहले की तरह x + i / y रखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं तो ये क्या देगा हमें, x - 1 + i/y, और यहाँ पे भी हम रख रहे हैं x + i/y, तो रियल पार्ट तो अकेला है +i/y। तो अगर मैं आयोडा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझेगा, y - 1। अब यहाँ पे वापस से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x - 1 2 + y² = x² + y - 1 2। ओके, अब ये x² से x² कट, y² से y² यहाँ पे कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, -2x + 1 = -2y + 1। +1 से +1 कट हो जाएगा, -2x = -2y, मतलब x = मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे y। ओके, तो ये ले लिया हम लोगों ने। देखो कौन कौन से रिजल्ट हम लोगों के पास यहाँ पे बन के आए हैं, जब हम लोगों ने ये दोनों लिए हैं और फर्स्ट और लास्ट लिए हैं। अब हम सेकंड और थर्ड लेंगे, जिसके अंदर है z + 1 = z - i। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और आगे लेकर बढ़ते हैं, तो देखो क्या आएगा, z + 1 का मतलब क्या है, x + 1 + i / y, और z - i/y, जैसे यहाँ पे तो वही रहेगा ना, x + i / y - 1 का मॉड, अब दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये क्या देगा, x + 1 2 + y² = x² +
वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर कट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस वन। तो यहाँ से भी हम लोगों को वन से वन कट गया, अब x इज इक्वल टू माइनस वाई आ रहा है, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस वाई। अब अगर है ना तुम लोगों को थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई x इज इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस, x इज इक्वल टू y का मतलब ये वाली लाइन होती है, x इज इक्वल टू माइनस वाई का मतलब ये वाली लाइन। तो आंसर तो हम लोगों का बस यही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का तीनों आंसर x मतलब ये 0.0 पे ही है। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट सेटिस्फाइज दिस, तो इन सबको सेटिस्फाई करने वाला बस एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और वो कौन होगा, 0.0। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कौन सा ऑप्शन लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो हमने पढ़ा तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर था, पर अब हम लोग जो हैं वैसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं जिसके अंदर ये सर्कल, पैराबोला और ऐसे ऐसे ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि भाई सबसे पहले जो जेड है वो किसके इक्वल नहीं दिया हुआ है, वन के, ओके। फिर बताया हुआ है कि जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन इज़ रियल, देन द पॉइंट ऑफ देन पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज आइदर ऑन अ रियल एक्सिस, ऑन अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऑन अ सर्कल विद सेंटर, ओके। तो अगर उसने ऐसा बोला है ना कि भाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन इज इक्वल टू रियल, इसका मतलब इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड तो नहीं बोल सकते, इसको डब्ल्यू बोल देते हैं, वो कितना होगा, जीरो। ये जो भी है, जैसे मान लो इसको डब्ल्यू बोला तो उस डब्ल्यू का इमेजनरी पार्ट क्या होगा, जीरो, तभी तो वो रियल होगा। तो वो सब तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या काम करना है, जेड इज इक्वल टू क्या रखना होता है, एक्स प्लस आयोडा वाई। तो एक्स प्लस आयोडा वाई रख के सबसे पहले हम लोग जेड स्क्वायर पता लगाते हैं क्या होता है। तो जेड स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोडा टू एक्स वाई। तो ये यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देंगे ना न्यूमरेटर के अंदर, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब देखो जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन ये कैसा दिखेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोडा टू एक्स वाई डिवाइड बाई जेड माइनस वन, जेड मतलब एक्स प्लस आयोडा वाई, आयोडा वाई माइनस वन। तो ये हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर अब कैसा दिखाई दे रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोडा टू एक्स वाई डिवाइड बाई। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा तभी जाके हम इसका इमेजनरी पार्ट जो है वो निकाल पाएंगे। अब इसका इमेजनरी पार्ट हम लोग निकाल पा, देखो यहाँ पे अब हम लोग नीचे क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन प्लस आयोडा वाई। अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बता पाने के लिए या बता सकने के लिए ये एक्स प्लस आयोडा वाई नीचे नहीं होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। तो अगर इसको हमें ऊपर ले जाना है या ऊपर बनाना है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे है ना ये प्लस साइन है बीच में, तो माइनस वाले से मतलब एक्स माइनस वन माइनस आयोडा वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वन माइनस आयोडा वाई। तो देखो डिनोमिनेटर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ तो ए स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी है ये और ये a माइनस बी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले रियल रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रियल रियल से करेंगे मतलब x माइनस वन किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। अब ये आयोडा वाला आयोडा वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोडा इंटू आयोडा माइनस वन और एक माइनस पहले से है तो ये हो जाएंगे प्लस, यहाँ एक y है और यहाँ पे 2xy, तो ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर। ये हो गया हमारा रियल पार्ट न्यूमरेटर के अंदर। अब हम लोग आयोडा के साथ लिखेंगे इमेजनरी पार्ट वाले बातें, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजनरी पार्ट हमें मिलेगा। तो देखो ये क्या आएगा, एक्स माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करने पर, टू एक्स वाई से। इसी तरीके से आयोडा वाई को जब हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। और ये पूरे के डिवाइड में नीचे क्या आ चलेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये रियल है। तो
तो अगर ये रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। अब क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी जीरो। तो इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ से देख पा रहे हो तुम क्या होगा, रियल पार्ट क्या क्या होगा इसका, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा और डिवाइड बाय दिस, इमेजिनरी पार्ट ये होगा इसका। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टू एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको बना दिया है जीरो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो ये तो जीरो में चला जाएगा, ऊपर वाई कॉमन आता हुआ दिख रहा है हमें, तो वाई अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर की तरफ बनेगा हम लोगों का सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दो फैक्टर आ रहे हैं, एक तो वाई बराबर जीरो और एक दूसरा, मतलब एक तो वाई बराबर जीरो और दूसरा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये तो एक सर्कल है और वाई बराबर जीरो एक लाइन है, मतलब हम लोगों का सर्कल और लाइन दोनों के बीच में आ रहा है। तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, आइदर ऑन अ रियल एक्सिस, रियल एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई बराबर जीरो, मतलब ये सही बात बोल रहा है आदि। तो फिर आगे बढ़ो, और ऑन अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल ये वो सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ये कैसे पता लगा कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, जीरो को वहाँ जीरो रख के देख लो एक्स और वाई की जगह, जीरो 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 इजिकल टू जीरो, मतलब इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो को वहाँ जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सर्कल है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है ना, तो वही हमारा आंसर है, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लोकस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हम लोग कर सकते हैं जितनी हमारे पास नॉलेज है उसकी हेल्प से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इफ़ जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिट मॉड्यूलस, मतलब मॉड जेड की वैल्यू बताई हुई है वन, मॉड जेड की वैल्यू कितनी बताई हुई है वन, ओके। फिर आगे, एंड आर्गुमेंट थीटा, उसका आर्गुमेंट थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज गिवन, देन आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड बार बताना है, वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड बार के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बताना है। अब इसका जो है आर्गुमेंट हम लोगों को बताना है, तो इसका आर्गुमेंट देखो कैसे हम लोग बता सकते हैं, तो सबसे पहली बात इसका स्क्वायर करो ये इक्वेशन का, तो मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम वन, और मॉड जेड स्क्वायर को लिखा जा सकता है बाय द प्रॉपर्टी जेड जेड बार इज इक्वल टू वन, इसका मतलब जेड बार इज इक्वल टू कितना हुआ वन अपॉन जेड, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये यूज़ करेंगे हम दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या दिया हुआ है, वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड बार, जेड बार हमने क्या निकाल लिया वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस वन अपॉन जेड, ओके। तो देखो अब इसमें एलसीएम लेंगे हम, तो वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड डिवाइड बाई जेड, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बचा जेड, तो ये जेड है किसके बराबर, वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड बार के। उसने पूछा है कि आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड बार क्या होगा, और हमने ये पूरा किसके इक्वल निकाल लिया है जेड के, तो मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड ही तो पूछ रहा है वो, और आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा थीटा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर मेन जो प्रॉपर्टी है ना वो ये यूज़ हुई है, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मोर जेड स्क्वायर, और जिनको ये प्रॉपर्टी नहीं पच रही है तो देखो एक्स प्लस आयोटा वाई सपोज करो जेड है, तो जेड बार क्या होगा एक्स माइनस आयोटा वाई, चलो अब इसका होल स्क्वायर करो, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी करो, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या देगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मॉड जेड का ही तो स्क्वायर है, क्योंकि मॉड जेड क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब एक नहीं दो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ जो तुम्हें ट्राई करना है, एक तो ये क्वेश्चन देख लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ट्राई करना, जेई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तुम्हें ट्राई करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये देख लिया, उसके अलावा एक और क्वेश्चन है,
ये वाला भी तुम लोगों को ट्राई करना है। तो ये दो क्वेश्चन है जो तुम्हें ट्राई करना है और फिर इसका आंसर लिख के रखना है और चेक करना है नेक्स्ट सेशन में कि सही है या नहीं है।